एलाइट फोर मेंबर, जिसे हम द बिग फोर भी बोल सकते हैं, जो अपने अपने रीजन के सबसे ताकतवर पोकेमोन ट्रेनर होते हैं पोकेमोन चैंपियन के बाद। एलाइट फोर मेंबर से बैटल करने के लिए सबसे पहले पोकेमोन लीग को जीतना होता है। डिफरेंट डिफरेंट रीजंस के डिफरेंट डिफरेंट एलाइट फोर मेंबर्स होते हैं और हर किसी का अपना एक यूनिक बैटलिंग स्टाइल होता है। सो हेलो गाइस, तुम सबका स्वागत है सुपर टूवर हिंदी में और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैंटो रीजन के एलाइट फोर मेंबर्स के बारे में। लेकिन उससे पहले, अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको क्लिक कर दीजिए और साथ में बेल नोटिफिकेशन भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए गाइस, बिना किसी तरीके आज की इस पोकेमोन की अमेजिंग वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर वन, लॉरले। अगर आपने पोकेमोन लीग जीत ली है तो सबसे पहले एलाइट फोर मेंबर लॉरले से आपकी बैटल होगी। लॉरले का अपना लॉजिकल, कैलकुलेटेड एंड कूल बैटलिंग स्टाइल है। पोकेमोन फायर रेड एंड लीफ ग्रीन गेम जैसों की बात करें तो उसमें रिवील किया गया है कि वो बड़ी हुई थी फोर आइलैंड पे, जिसे हम ऑरेंज आइलैंड भी बोल सकते हैं। और अगर मैं वही बात करूँ पोकेमोन एनिमे के बारे में तो वो हमें द मैंडरिन आइलैंड मिसमैच में फर्स्ट बार अपीयर हुई थी और इंग्लिश डब में उसका नाम प्रीमा कर दिया गया था। लॉरले का कैरेक्टर की बात करें तो वो अपने बिजी शेड्यूल में से थोड़ा टाइम निकाल लेती है मैंडरिन आइलैंड पर रिलैक्स करने के लिए और वो एक स्पेशलाइज आइस टाइप एलाइट मेंबर है जो स्लोग्रो, ड्यूगोंग, कॉलेस्टर, जिंक्स, लैप्रस जैसे पोकेमोन यूज करती है। और वहीं गेम्स की बात करें तो रीमैच या डिफरेंट राउंड में उसके पोकेमोन चेंज हो जाते हैं। लॉरले को अपनी तारीफ सुनने से अच्छा टेनस का मेंटोर बनना अच्छा लगता है और वो उन्हें लेक्चर्स भी देती है और वो टेनस को सिखाती है कि वो कैसे अपनी इनर स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं। नंबर टू, ब्रूनो। सेकंड मेंबर ऑफ एलाइट फोर ब्रूनो स्पेशलाइज्ड है फाइटिंग एंड रॉक टाइप पोकेमोन में और वो फाइटिंग टाइप पोकेमोन्स को ट्रेन करता है। एलाइट फोर के मेंबर बनने का उसका मेन मोटिव था कि वो टफ पोकेमोन ट्रेनर से बैटल कर सके। ब्रूनो के पास सुपर ह्यूमन फिजिकल स्ट्रेंथ एंड एजिलिटी है। अपनी पावर को मेंटेन रखने के लिए वो मेडिटेट करता है ताकि उसकी स्किल्स और भी इंक्रीज हो सके और यही उसका सीक्रेट पावर है। ब्रूनो की पोकेमोन की बात करें तो वो ऑनिक्स, हिटमॉनचैन, हिटमॉनली एंड माचैम जैसे पोकेमोन यूज करता है और उसका सबसे ताकतवर पोकेमोन माचैम ही है। पोकेमोन एनिमे में उसका फर्स्ट अपीयरेंस टू मास्टर द अनएक्सपेक्टेड में हुआ था, जहां वो ऐश को सिखाता है कि स्ट्रॉन्ग बनने के लिए कोई भी सीक्रेट नहीं है, बल्कि स्ट्रॉन्ग बनने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है और वो है ट्रेनिंग करना और अपने पोकेमोन्स पर भरोसा करना। नंबर थ्री, अगाथा। थर्ड मेंबर ऑफ एलाइट फोर एंड ओल्डेस्ट मेंबर, अगाथा सीनियर पोकेमोन ट्रेनर्स के लिए इंस्पिरेशन है। अगाथा स्पेशलाइज्ड है घोस्ट टाइप पोकेमोन में और वो ऐसे पोकेमोन भी यूज करती है जो दिखने में स्कैरी होते हैं। और आपको ये बात भी पता होगी कि अगाथा एंड प्रोफेसर ओक फ्रेंडली राइवल हुआ करते थे, लेकिन आगे चलकर प्रोफेसर ओक एंड अगाथा के बीच डिस्टेंसेस आने स्टार्ट हो गए क्योंकि अगाथा को लगने लगा था कि प्रोफेसर ओक बहुत ही ज्यादा वीक है उसे कम्पीट करने के लिए। अगाथा की पोकेमोन्स की बात करें तो वो गेंगार, गोल्ड बैट, हॉन्टर एंड आर्बोक जैसे पोकेमोन यूज करती है। पोकेमोन एनिमे की बात करें तो उसका फर्स्ट अपीयरेंस द सीम टीम में हुआ था, जहां वो वेरेडियन सिटी में एस से बैटल करती है। उस टाइम अगाथा वेरेडियन सिटी की टेम्परेरी जिम लीडर होती है और जब अगाथा एस से बैटल करती है तो एस से इम्प्रेस हो जाती है उसकी बैटलिंग स्टाइल टेक्निक्स को देखकर। उसके कैरेक्टर की बात करें तो वो बहुत ही कॉन्फिडेंट रहती है बैटलिंग में और बैटलिंग के टाइम वो दिमाग लगाकर खेलती है और वो अपने अपोनेंट्स के अटैक को ध्यान में रखकर अपने पोकेमोन से अटैक करवाती है और वो उन्हीं अटैक्स को एनकाउंटर भी करती है। नंबर फोर, लेंस। लेंस एक मास्टर ट्रेनर एंड चैंपियन है इंडिगो लीग एलाइट फोर का और वो पोकेमोन जी मैन डिटेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर भी है। लेंस का सबसे पहला कैमियो द लेजेंड्स ऑफ थंडर में हुआ था और उसके बाद उसका मेन सीरीज में अपीयरेंस हुआ टॉकिंग अबाउट एन इवोल्यूशन में, जहां वो टीम रॉकेट पर इन्वेस्टिगेशन करता है। उसके कैरेक्टर की बात करें तो अपने पोकेमोन को बहुत ही ज्यादा प्यार करता है, उनकी केयर करता है और उन्हें अपना फ्रेंड ही मानता है। पोकेमोन जी मैन के मेंबर बनने के बाद उसने अपने जॉब को सीरियसली लिया और वो बुरी टीम्स पर इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट कर दिया ताकि दुनिया में शांति बनी रहे। उसे दोस्त बनाना भी पसंद है। लेंस के पोकेमोन की बात करें तो वो ड्रैगन टाइप पोकेमोन यूज करता है। उसके पास ड्रैगनॉइड, दो गैराडोस है, एक शाइनी
एंड एक रेगुलर गैराडोस। पोकेमोन जनरेशन की बात करें तो वहां पर सबसे पहले ब्लू लेंस को डिफीट करता है एंड उसके बाद रेड ब्लू को डिफीट कर देता है और रेड पोकेमोन इंडिगो लीग का चैंपियन बन जाता है और ऐसे ही कुछ पोकेमोन गेम्स में भी होता है। गाइस आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। आज का लाइक टारगेट है 1000 लाइक। मुझे यकीन है कि आप इस टारगेट को जल्दी ही पूरा कर दोगे। अगर आप लोग ऐसी और भी वीडियोस देखना चाहते हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, या आप मेरी प्लेलिस्ट की हेल्प से बाकी की वीडियोस को देख सकते हो। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। Tikka 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 tik